एक मूवी देखी है, थोड़ी पुरानी है, 2019 या 2017 में आई थी, इंदू सरकार, इट इज अबाउट एमरजेंसी। इसमें कृति मधुर मधुर भंडारकर की है, कृति खर बनता है शायद इसमें, कृति, हाँ जो भी वो है उसके अंदर। तो इस मूवी में उन्होंने बताया कि वो कैसे एमरजेंसी में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने ज़बरदस्ती लोगों को घरों से निकाल के, तुर्क वो जो भी मोहल्ला था वहाँ से निकाल के घरों से उन्होंने वो सब किया, और कैसे उन्होंने लोगों की नसबंदी वगैरह ज़बरदस्ती फोर्सफुली कराई एमरजेंसी के टाइम पे, और कैसे फिर वो हार भी गए थे अगले इलेक्शन, और कैसे लोग उनसे बहुत परेशान थे, और करप्शन वगैरह कैसे चल रही थी, इसके बारे में ये मूवी बनाई गई है। बट मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग पिक्चर नहीं लगी, जितना इन्होंने डेविलिश काम दिखाने की कोशिश की है उतना डेविलिश काम मुझे लगा नहीं इतनी। वो मतलब जो एक हायर निकलनी चाहिए थी मन से, जो एक इम्पैक्ट आना चाहिए था, वो इम्पैक्ट आया नहीं, जैसे Page 3 में या फैशन में या हीरोइन में था, वैसा कुछ मुझे इम्पैक्ट मधुर भंडारकर की पिक्चरों में जैसे, या कैलेंडर गर्ल में जैसा वो इम्पैक्ट आता है, वो इम्पैक्ट मुझे इस पिक्चर में एमरजेंसी के बारे में जो बनी थी इंदू सरकार, इसमें मुझे वो इम्पैक्ट दिखा नहीं कहीं। तो ओके ओके पिक्चर है, कैन बी वॉच्ड, इट इज़ अवेलेबल ऑन प्राइम, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके।